हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अभिलाषा और स्विट्ज़रलैंड में आपका वेलकम है फिर से। ये सेकंड व्लॉग है, मैंने फर्स्ट व्लॉग आप लोगों के साथ में स्विट्ज़रलैंड का शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। हमारी मॉर्निंग की शुरुआत इतने सुंदर नज़ारों से हुई और ये है वो जो DDLJ में गाय दिखाई है ना, ऐसे यहाँ पर सारी गायों के गले में ना घंटी बंधी रहती है। मुझे रीज़न नहीं पता है क्या है। और ये बस स्टॉप हमारे Airbnb के जस्ट सामने था और ये Airbnb के जस्ट बाहर का नज़ारा है। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। सो वी आर वेटिंग फॉर द बस और जैसा मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमने स्विस पास लिया है और स्विस पास में सारी बसेस, ट्रेन्स या फिर क्रूजेज ये सब कुछ फ्री होता है क्योंकि आप ऑलरेडी इसका पेमेंट कर चुके होते हैं। फैमिली स्विस पास लिया हमने। यहाँ की विंडोज़ देखिए, ये मैं बस से रिकॉर्ड कर रही थी, इतने कलरफुल घर मैंने यहाँ देखे हैं ना। US में मैंने कभी इतने कलरफुल घर नहीं देखे। हर घर का एक स्ट्रक्चर डिफरेंट है, डिफरेंट विंडोज़ हैं, कलर्स बहुत ही अलग अलग हैं। US में मोस्टली एक जैसे घर दिखते हैं, अगर कोई नेबरहुड भी है वहाँ पर भी, और कम्युनिटीज तो डेफिनेटली एक ही जैसी डिज़ाइन होती है। पर यहाँ देखिए इतनी कलरफुल खिड़कियाँ, इतने कलरफुल घर देखकर ना बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ इंटरलाकिन एरिया में दो लेक्स हैं, लेक थन और लेक ब्रेंस। और यहाँ का पानी देखिए आप, एकदम टर्कोइज कलर का है। तो मुझे देखकर ना बहुत फैसिनेटिंग लगा। इस कलर का पानी मैंने कभी नहीं देखा। ब्राउन देखा है पानी, वाइट देखा है, ब्लू कलर का देखा है। US में भी काफ़ी डार्क ब्लू कलर का पानी देखा है, पर ये टर्कोइज कलर का पानी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। तो बहुत अच्छा लगा देखकर। और ऐसा बोलते हैं कि ग्लेशियर के कुछ पार्टिकल्स की वजह से ये पानी इस कलर का हो जाता है। गूगल पर इसमें बहुत सारी रिसर्च है। सो हम स्टेशन पहुंच गए हैं और यहाँ से हम जाएंगे लॉटरब्रुनन एरिया, जहाँ पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है स्टॉपबैक फॉल वाटरफॉल, और वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है पिक्चर्स में। देखते हैं रियलिटी में कैसा रहेगा। और आज हम करने वाले हैं गंडोला राइड। आज हम जाने वाले हैं हाइक करने के लिए। सो हाइक कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही ऊंचाई पर हम जाने वाले हैं, बट यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं जाने के। सो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बेबी के साथ में आराम से जा सकते हैं। कई लोग न्यू बॉर्न्स के साथ में भी आए हैं यहाँ पर, जो मैंने देखा मुझे बहुत शॉकिंग लगा, लेकिन दो दो तीन तीन हफ्तों के बच्चों को भी यहाँ पर लेकर आते हैं लोग। तो जब भी कोई ऐसी अननोन जगह पर आप जाते ना, तो गूगल मैप्स में लाइव व्यू ज़रूर देख लिया करिए। उससे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और बहुत ही आसानी से ना रास्ते समझ में आ जाते हैं, नहीं तो गूगल मैप्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है। सो लाइव व्यू से हस्बैंड ने देखा एंड नाउ वी हैव रीच। थोड़ा सा वॉकिंग था बट नज़ारा देखिए बहुत ही सुंदर, मज़ा आ गया देख कर। वी आर इन द ड्रीम कंट्री ऑफ मैनी पीपल, स्विट्ज़रलैंड, एंड इट्स सो ब्यूटिफुल। एक्चुअली इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। इतना सुंदर जितना पिक्चर्स में और मूवीज़ में दिखता है या कोई सीनिक व्यूज़ में दिखता है ऑनलाइन, उससे भी ज़्यादा सुंदर है। आई कॉन्ट एक्सप्रेस, आँखों को ना ठंडक, इतना सुंदर, ओ माई गॉड। तो यहाँ आकर कई लोग हाइकिंग शूज़ खरीदते हैं, यहाँ के सुविनियर्स खरीदते हैं। ये यहाँ पर छोटा सा एक मार्केट टाइप का था जहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स हैं, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये। तो 50% या 80% डिस्काउंट करने के बाद में भी काफ़ी ज़्यादा ओवर द बजट यहाँ पे चीज़ें दिख रही थी। Because I read it in English first and then I translated it. Yeah, I know Sanskrit. If you will learn Hindi, you will also know some part. Chai ki tapri over here. Yes. Ye lag baat hai, yahan coffee mil rahi hai. It's not. Expensive thing. That's so cool. Ooh. हमने जेशू का स्ट्रोलर नीचे वही कॉफ़ी शॉप पर रख दिया है उनको रिक्वेस्ट करके, और अब हम निकल गए ये चढ़ाई के लिए। बहुत ज़्यादा ऊंचा तो नहीं था, पर हाँ जो वॉकवे है ना वो थोड़ा चढ़ाई वाला था, तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी स्पेशली मुझे, क्योंकि मुझे कभी कभी ना थोड़ा सा बैक पेन या पैरों में पेन होता है। आप ये देखिए इतने दूर से ट्रेन नज़र आ रही है और मैं चली जा रही हूँ धीरे धीरे, हस्बैंड और आने सबसे आगे और मैं पीछे पीछे आराम आराम से।
सो वाटरफॉल तक जाने के लिए ये एक केव है, यहाँ से थ्रू होकर जाना होता है वाटरफॉल के लिए, पर इट इज़ नॉट सेफ। मुझे लगा कि जैशु के साथ में जाना सेफ़ नहीं, क्योंकि थोड़ा सा स्लिपरी बताया लोगों ने। तो पहले अने और पापा गए और उसके बाद में अने और मैं गए, क्योंकि अने मुझे लेकर गया था, उसने पूरा देखा, उसको बहुत मज़ा आ रहा था और सच में थोड़ा सा स्लिपरी था, तो अच्छा हुआ हम जैशु को लेकर नहीं आए। वैसे बहुत सारे लोग बच्चों को लेकर आ रहे थे, छोटे छोटे बेबीज़ को भी, बट हमने सोचा हम एक करके चले जाएंगे, जैशु को नहीं लेकर गए। Inside of these, there are gems. Okay, inside of these, there are gems? Yes. Who told you? No, the kind of gems, mm-hmm. which are like in this. I watched it from the YouTube. From the video? Yeah. Oh. Yeah, so in these kind of reddish parts, mm-hmm. there are gems inside. Oh, see the view. Oh my God. Right, let's keep going up. Wait. It's better up. Take 2 minutes. Itna chadh ke aaye upar. Yeah, but let me catch my breath at least. Oh my God, it's so beautiful. It's not raining. ये waterfall का पानी है, क्योंकि ऊपर बहुत ही सुंदर waterfall है। और ये घर देखो कितने cute हैं। And actually ये बहुत दूर है और बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं यहाँ से। But they are pretty big houses. Hi guys, it's my video. Let's go. Oh. Now we're on down. सो पूरा टाइम मैं ना अलग को इंस्ट्रक्शंस देते आ रही थी, क्योंकि हम मॉमीज़ को ना ऐसा लगता है कहीं बच्चे गिर ना जाए, स्लिप ना हो जाए। बच्चे बहुत कंफर्टेबल होते हैं, पर हमें ही थोड़ा सा डर लगा रहता है। तो जैसे तैसे हम नीचे उतर के आए, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि आने कहीं स्लिप ना हो जाए, बट इट वॉज़ वर्थ गोइंग अप। और पहले मैं नहीं जा रही थी, पर मेरे हस्बैंड ने बोला तुम भी जाके आओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा जाकर देखने में। तो सच में जाना वर्थ था, बहुत मज़ा आया ऊपर जाकर, और व्यू देख कर ना ऊपर से बहुत अच्छा लगा। जैशु पापा, सो ये है इस वाटरफॉल का स्विस अल्पाइन फ्रेश वाटर, और ये पानी सच में बहुत मीठा था टेस्ट में। और यहाँ पे ना जनरली फ्री पानी नहीं मिलता है, तो हमें जहाँ पे भी फ्री पानी मिल रहा था ना हम भर रहे थे, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी और स्वाद में भी बहुत अच्छा था। दिस इज़ द टॉप ऑफ यूरोप, यहाँ हम जा सकते हैं, लेकिन जैशु के साथ में सेफ़ नहीं है जाना, क्योंकि छोटे बेबीज़ के लिए इतनी ऊँचाई पर जाकर थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती, सो वी डिडंट गो। मे बी नेक्स्ट टाइम अगर फिर से जाने का चांस मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। अब हम जा रहे हैं दूसरी डेस्टिनेशन पर, जहाँ पर हम करेंगे गंडोला राइड, और वो भी बहुत ऊंचाई पर है। ये देखिए इतनी सारी गाय दिख रही थी, सबके गले में ना घंटियाँ थी, बिल्कुल DDLJ मूवी वाली गाय जैसी दिख रही थी ये। और मेरा बहुत मन था कि मैं इन किसी भी एक गाय के साथ में फ़ोटो निकलवाऊँ, पर वो चांस ही नहीं हो, क्योंकि ये सारी फार्म्स में थी। यहाँ ना ट्रैवल करने में बहुत टाइम जाता है आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि ऊबर वगैरह उतना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव रहते हैं। पेरिस में हमने जगह जगह ऊबर करके सब ट्रैवल कर लिया था, बट यहाँ
बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, स्विट्ज़रलैंड इट्सेल्फ इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये देखिए ये DDLJ वाली जो घंटियाँ हैं ना जो मूवी में दिखाई, वो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग शेप्स में मिल रही थी, बट बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव। नाउ वी हैव कम हियर, जहाँ से हम शुरू करेंगे अपनी गंडोला राइड। सो वी आर ऑल सेट। और जैसे इंडिया में अपने लोग रहते हैं वहाँ पे असिस्टेंस के लिए, वो पकड़ के रखते हैं और आप आराम से उसमें चढ़ सकते हैं, वैसा यहाँ कुछ भी नहीं था। एकदम जल्दी जल्दी में चढ़ने का हो रहा था, क्योंकि ये ज़्यादा रुक ही नहीं रही थी, स्लो मोशन में ना चलती ही जा रही थी। सो हम स्ट्रोलर के साथ में इसमें गए, क्योंकि स्ट्रोलर अलाउड था। बहुत सारे लोग बाइक्स भी लेकर आते हैं अपनी, तो बाइक्स भी अलाउड होती हैं, छोटी वाली इलेक्ट्रिक बाइक्स, बड़ी वाली अलाउड नहीं होती हैं। सो नाउ वी हैव स्टार्टेड अ गंडोला राइड। और देखिए ज़रा जैशो को कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था आने और जैशो को। यहाँ मैंने इतने लंबे लंबे पेड़ देखे ना, ये वाले आई थिंक ये पाइन ट्रीज़ हैं, पर इनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी, ये ऊपर से मैंने वीडियो लिया है और आप देख सकते होंगे कितने लंबे दिख रहे हैं ये। और इस गंडोला में ना खिड़की भी खोल सकते हैं, सो दैट यू कैन फील द एयर। और मज़ा आया देखकर, चारों तरफ ग्रीनरी, माउंटेन्स, स्नोई माउंटेन्स, वाह, मतलब इट वाज वर्थ गोइंग। और यहाँ पे भी हमें गाय दिख गई। आई थिंक ये सारे ना फार्म एरिया हैं, और नीचे गाय आराम से रिलैक्स करके खाना खाती रहती हैं, वहीं सो जाती हैं, और सबके गले में उनकी आइडेंटिटी लटकी हुई है वो बेल के थ्रू, तो ओनर्स को शायद उन्हें देखने में ढूंढने में आसानी भी नहीं होती होगी। सो दिस प्लेस इज़ कॉल्ड ग्रिंडल फर्स्ट, और ये फर्स्ट माउंटेन बोला जाता है इस माउंटेन को। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होता है, और यहाँ पर 3 स्टॉप्स हैं, तो Level 1, Level 2, Level 3 आप किसी भी लेवल पर रुक कर उस लेवल को एक्सप्लोर कर सकते हैं और फिर से गंडोला राइड शुरू कर सकते हैं। तो पैराग्लाइडिंग और बाकी जो और 3-4 चीज़ें थी, लाइक बाइक राइडिंग वगैरह थी, वो बाइक स्पेशल बाइक्स थी, तो वो सब कुछ तो बच्चे के साथ में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने सिर्फ गंडोला किया। एंड वी हैव रीच टू द फर्स्ट क्लिफ वॉक। यहाँ से रास्ता एक लेक के लिए भी जाता है, जो ये ज़िगज़ैग सा रूट दिख रहा है ना, ये 20 मिनट्स का रूट है, पर थोड़ी सी बारिश हो रही थी तो इसलिए हमने इतना दूर का सफ़र नहीं करना का सोचा जैशु के साथ में। देर इज़ अ क्लिफ वॉक जो बहुत ऊपर जाकर है, वो रास्ता दिख रहा है वहाँ जाने का, लेकिन स्ट्रोलर इज़ नॉट फीजिबल ऑप्शन। अलाउड नॉट अलाउड ऐसा कुछ नहीं है, बट फीजिबल ऑप्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेवल वाली जगह है, पूरी जगह ऐसे छोटे छोटे से पत्थर टाइप के हैं, तो कम्फर्टेबल नहीं होगा। ऑप्शन एक ये है कि वहाँ पर स्ट्रोलर को हम लॉकर में रख कर जैशु को गोदी में उठा कर लेके जा सकते हैं। ऑप्शन टू इज़ या तो अने और पापा चले जाएं और मैं और जैशु रुक जाए, क्योंकि जैशु सो गई है, तो बच्चों के संग में थोड़ी सी ये मुश्किल होती है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू कम एंड एक्सप्लोर फॉर श्योर। पैसा वसूल है स्विट्ज़रलैंड का, जो भी बोलते हैं ना महंगा महंगा, व्यू देख के है ना एकदम बढ़िया खुशी मिलती है, क्योंकि इतने सुंदर व्यू है ना यहाँ पर, हर जगह जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक ब्यूटीफुल नेचर एंड सुंदर व्यू। नो, समवन विल गेट अ हिट ऑन है। सो जैसे बहुत सारी जगह ग्लास वॉक है, जिसमें आप ग्लास पर चलते हैं और आपको नीचे काफ़ी गहरी सी जगह दिखती है, तो ऐसे ही यहाँ पर ये वॉकिंग एरिया है, जहाँ से ये नीचे पूरा बहुत ही ज़्यादा गहरा दिखने वाला है। पहले मुझे दूर से ही देखकर डर लग रहा था, पर जब चलना शुरू किया तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस अगर आपको थोड़ा गहरी से जगह से डर लगता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से डर लगता है, तो नीचे मत देखिए, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा डेप्थ वाली चीज़ें दिख रही थी, बहुत ज़्यादा गहरे गहरे गड्ढे टाइप के दिख रहे थे। और इसमें से ग्लास वॉक तो नहीं है ये, पर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा ऐसे होल्स टाइप के बने, तो उसमें से भी नीचे देखने का मौका मिल रहा है। सो इट वॉज़ लिटल स्कैरी, पर मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मुझे ऊँचाई से ना पर्सनली बहुत ज़्यादा डर लगता है, पर इतना यहाँ ज़्यादा डर नहीं लगा, अच्छा लगा यहाँ पर। और ये सारे रॉक्स के साथ में बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ निकलवा रहे थे, फ़ोटो सेशन कर रहे थे, अने बहुत ही छोटे छोटे से ना पत्थर इकट्ठे कर रहा है और वो देख रहा है यहाँ से फेंक कर कि कितना ऊँचा या कितना नीचे वो जा रहा है।
ये जो बीच का इतना सा स्ट्रेच है ना, ये बिल्कुल हैंगिंग झूले टाइप का है, तो इसके नीचे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। और अच्छी बात यह है कि यहाँ से ही वापस नहीं आना है, वापस जाने का दूसरा रास्ता है। तो थैंक गॉड मैंने जैसे ही हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा यहाँ से वापस नहीं आना है, ये थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच है और बिल्कुल ही हैंगिंग झूले की तरह ये झूल रहा था लिटरली, तो थोड़ा सा स्कैरी था यहाँ पर। सो ये ट्रेल वॉक का ना लास्ट पॉइंट ये है, और यहाँ आकर लोग फ़ोटो सेशन कराते हैं। आप देख सकते होंगे लाइन कितनी लंबी है, ये फ़ोटोज़ के लिए ही लाइन है ये। स्नोई माउंटेन्स के साथ में, इस नज़ारे के साथ में ना फ़ोटोज़ बहुत ही सुंदर आ रहे थे। बस थोड़ा सा अगर सनी वेदर होता, थोड़ी सी धूप टाइप की होती ना, तो और ज़्यादा अच्छा लगता। इतने क्लाउडी मौसम में उतने सारे नज़ारे दिखने को नहीं मिले, क्योंकि थोड़ा सा फॉगी भी हो रहा था, बट अदरवाइज़ इट्स वर्थ गोइंग। बहुत ही सुंदर व्यू। तो आज हमने ये दोनों मेजर पॉइंट्स कवर कर लिए और बहुत अच्छा लगा। आज का दिन वर्थ गोइंग था। एंड यहाँ पर ऐसे कुछ राइड्स भी थी, पर अन्ना ने यूएस में ऐसी राइड्स बहुत सारी की हैं, तो उसको बिल्कुल भी मन नहीं था इस राइड को करने में। एंड दिस इज़ द लेक अगेन, ब्यूटीफुल लेक। और यहाँ बहुत सारे फ्लैग्स थे अलग अलग जगह के, तो अन्ना इंडिया का फ्लैग देखकर बहुत खुश हो गया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे कल। कल भी हम बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं और अपने नए एयरबीएनबी जाने वाले हैं, जो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा सुंदर निकला। मैं आप लोगों के साथ में उस जगह का भी टूर शेयर करूंगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप मेकिंग मेमोरीज जस्ट लाइक अस। बाय बाय।